राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज जुडिशरी में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने सुना है कि कई वकील तो जजमेंट लिखकर ले जाते हैं, वही जजमेंट आता है। जुडिशरी के अंदर ये क्या हो रहा है, चाहे लोअर जुडिशरी हो या अपर, हालात गंभीर हैं, देशवासियों को सोचना चाहिए। गहलोत जयपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर जो आरोप लगाए हैं वो सही है। मुझे मालूम पड़ा है कि अर्जुन राम मेघवाल के वक्त बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, उसे दबा दिया गया है। इन लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है, इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। हम तो कभी किसी के पीछे पड़ते नहीं है। जुडिशरी, आरपीएससी, एसीबी में कभी इंटरफेयर नहीं करता हूं। मैंने जीवन में कभी इन संस्थाओं के काम में हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही कभी करना चाहिए। गहलोत ने आगे कहा कि हमने कई हाईकोर्ट जज बनवाने में मदद की होगी, उन सिफारिशों की कहीं वैल्यू हुई होगी, कई जज बन गए होंगे। जज बनने के बाद मैंने जिंदगी भर उन लोगों से बात नहीं की है, मैं मेरी खुद की अप्रोच रखता हूँ। आज से 25 साल पहले मुख्यमंत्री हाईकोर्ट जज बनाने के रिकमेंडेशन देते थे, वो भी जमाना हमने देखा है। हम भी सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, कई सिफारिशें होती थी। गहलोत ने आरएसएस को लेकर भी बयान दिया है, कहा है कि आरएसएस अपने चाल चरित्र चेहरे की बात करता था, लोग विश्वास करते थे कि आरएसएस अलग तरह का संगठन है, ये खुद कहते थे कि हम अलग है। आज उनका चाल चरित्र चेहरा न जाने कहां चला गया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी के सवाल पर गहलोत ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो हम पूरी तरह तैयार हैं, केंद्र की सरकार कुछ भी करवा सकती है।